सर्दियाँ आते ही आ जाती है पालक एकदम फ्रेश और टेस्टी, और मन करता है इससे नई नई डिशेस बनाए। आज हम बनाने वाले हैं पालक पत्ता चाट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। चाट बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले लेंगे हम पालक के 15 से 20 पत्ते। हमें एकदम फ्रेश पत्ते चाहिए। इसे हम 5 से 6 पानी में अच्छे से धो लेंगे ताकि मिट्टी ना रहे, और इसकी डंडी को हम तोड़ लेंगे। खाली पत्ते चाहिए, पत्ते काटने नहीं हैं हमें, पत्ते साबुत ही चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, और एकदम अच्छे से वॉश किए हुए चाहिए। अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे। एक छन्नी लेंगे हम सबसे पहले, और ये छन्नी में हम पालक के पत्ते डाल देंगे इस तरीके से अलग अलग करके, ताकि ये सूख जाए, सारा पानी इसमें से निकल जाए। सबसे पहले पालक पत्ते के लिए हम एक घोल रेडी कर लेते हैं। एक बोल में लेंगे 1 कप बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, और 2 चम्मच लेंगे हम कॉर्नफ्लोर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और ये अजवाइन को हम हाथ से क्रश करके डाल देंगे। एक विस्कर की हेल्प से सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर देंगे इसका। इसका घोल बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल चाहिए हमें इसके लिए। ये देखिए इस तरीके से, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये बैटर सेट हो जाए। तब तक हम अपनी और प्रिपरेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे 1 कटोरी दही, उसे एक बड़े से बोल में डाल देंगे। उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच चीनी पिसी हुई, और विस्कर की हेल्प से हम अच्छे से इसे स्मूथ कर लेंगे। हमें गाढ़ा दही चाहिए, दही पतला नहीं होना चाहिए। और हम लेंगे गुड़ और इमली की चटनी। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और लेंगे हम ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और हमें चाहिए नमकीन। मैंने ये मिक्सचर लिए है, आपके घर में जो भी नमकीन हो आप वो ले सकते हैं। और उबले हुए आलू जिसे मैंने पतला काट लिया, और उबले हुए चने। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। अब लेंगे हम एक कढ़ाई, और उसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल हमें मीडियम टेम्परेचर पर गर्म करना है, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना। अब जो पालक के पत्ते हमने वॉश किए थे वो हम इस बैटर में डिप करेंगे, और इसे इस तरीके से ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमें मीडियम चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हाई और ना ही लो। और बहुत सारे पत्ते हम फ्राई होने के लिए एक साथ नहीं डालेंगे, एक बारी में 4 या 5 पत्ते ही डालेंगे। और इसे अलट पलट कर हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट लगते हैं और ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। और देखिए बातों ही बातों में हमारे पत्ते फ्राई भी हो गए। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं, अच्छे से ऑयल छानकर निकालेंगे ताकि ऑयल ना रहे इसमें ज़्यादा। जब भी आप कोई भी पकौड़े बनाएं तो इसे डायरेक्ट प्लेट पे ना निकालें, इसे इस तरीके के स्टैंड या छन्नी पे निकालें ताकि नीचे से स्टीम रिलीज़ हो जाए और ये पकौड़े क्रिस्पी बने रहें। अगर आप डायरेक्ट प्लेट पे निकालेंगे तो ये सॉगी हो सकते हैं। ये देखिए मैंने स्टैंड पे निकाले हैं, एक तो ऑयल भी निकल जाता है और ये क्रिस्पी भी बने रहते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और भी सारे पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। चलिए अब हम इनकी चाट रेडी करते हैं। एक प्लेट में सबसे पहले हम 5 से 6 पकौड़े रखेंगे, ये वाले जो हमने पालक के रेडी किए हैं। आप चाहें तो चटनी से इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम आज इसकी चाट बनाएंगे। अब जो हमने दही रेडी किया था और फ्रिज में रखा था, हम इसे निकाल के इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। देखिए दही इतना गाढ़ा है तभी चाट टेस्टी बनेगी, अगर दही पतला होगा तो चाट अच्छी नहीं बनेगी। उबले हुए आलू डाल देंगे, उबले हुए चने डाल देंगे, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, चाट मसाला डालेंगे, और जो मैंने जीरा भून के रखा है वो भी हम इसके ऊपर से डाल देंगे। ग्रीन चटनी डालेंगे इसके ऊपर इस तरीके से फैला के, और ये मीठी चटनी भी डालेंगे। चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से डाल देंगे हम नमकीन और हरा धनिया। हमारी पालक पत्ता चाट सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।